चलो आज हम क्वांटम नंबर का टर्म डील करते हैं जो लिखे हुए हैं तुम लोगों के लिए। तुम लोगों को पिछले दिन हमने जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मोटा मोटी बात बताया था और उसमें बोर मॉडल भी बता दिए थे और रदरफोर्ड मॉडल। बोर मॉडल के अकॉर्डिंग यही या रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग यही बातें थी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। हालाँकि हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित पाथ नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित पथ पर चक्कर नहीं लगा सकता है, वो एक वेव की तरह क्रेस्ट ट्रफ के रूप में यूज उसी सर्कुलर पाथ के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। तो आखिरकार इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है कहाँ, उसका लोकेशन क्या है, उसका शेप क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, या उस इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है, इन सब सारी चीज़ों को डील करने के लिए क्वांटम नंबर एक पैरामीटर लाया गया। यानी कि ये किसी भी इलेक्ट्रॉन का फुल एड्रेस बताता है, एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन का ये फुल एड्रेस देता है, कंप्लीट एड्रेस देता है। किसी भी इंसान का जैसे एड्रेस होता है, कौन स्टेट में रहता है, उस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट में रहता है, किस ब्लॉक में रहता है, किस गांव में रहता है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन का भी एटम में एड्रेस होता है, उसको ढूंढना होता है, तो उसको हम क्वांटम नंबर से डील करते हैं। अब उसमें चार होते हैं, पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजीमुथल, तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। सबसे पहले तुमको बता देते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटा वाला एन से। अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, सीधा सीधा समझ लो ऑर्बिट के बारे में, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है या किस सेल में है उसके बारे में बताता है। उसके बाद ये भी बता देगा कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो उसका फार्मूला 2n² से हम पहले भी डील करके बता चुके हैं, एन ऑर्बिट की संख्या है। पहला वाला अगर होगा, पहले वाला में एन एक रखेंगे तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एन के जगह पर अगर हम 2 रख देंगे तो दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो ये जानकारी हमको मालूम हो जाएगा। तीसरे में 3 रखेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अब ऑर्बिट के बारे में बताता है, तो ऑर्बिट 1, 2, 3 होता है, 4 होता है, या उसी को हम लोग KLMN से इंडिकेट करते हैं, तो इतना कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है उसको हम इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं या सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी, इसको इंडिकेट करते हैं स्मॉल एल से। और ये जो है ऑर्बिट के अंदर में सब ऑर्बिट के बारे में बताता है, ऑर्बिट के भीतर सब ऑर्बिट या सब सेल के बारे में बताता है, सब सेल ऑर्बिट में सब सेल या सब ऑर्बिट है उसके बारे में, यानी कि ऑर्बिट है उसके अंदर में भी छोटा घर है सब ऑर्बिट। अब ये बात आप जान लीजिए, किसी भी ऑर्बिट में सब ऑर्बिट कितने होंगे, तो जो ऑर्बिट नंबर होगा उसी के बराबर नंबर ऑफ सब ऑर्बिट होंगे, नंबर ऑफ सब ऑर्बिट ऑर्बिट नंबर के बराबर होगा। जैसे पहला वाला ऑर्बिट है, ये मान लीजिए ऑर्बिट है और यहाँ पे नंबर ऑफ सब ऑर्बिट अगर हम लोग बताएं, तो पहला वाला ऑर्बिट 1 यानी कि के वाला, तो उसमें सब ऑर्बिट भी एक ही होंगे। दूसरा वाला ऑर्बिट यानी कि एल वाला, तो इसमें सब ऑर्बिट 2 होंगे। तीसरा वाला एम है, इसमें सब ऑर्बिट 3 होगा। चौथा वाला एन है, तो इसमें सब ऑर्बिट 4 होगा। तो किसी भी ऑर्बिट में सब ऑर्बिट उसके संख्या के बराबर ही होता है। अब ये सब ऑर्बिट है तो 1 है या 2 है 3 4 है, तो उसका नाम होना चाहिए या उसका वैल्यू होना चाहिए उस सब ऑर्बिट का, तब ना पहचान में आएगा कि इलेक्ट्रॉन किस सब ऑर्बिट में है। तो उसके लिए बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो सब ऑर्बिट में रहता है उसका वैल्यू जो होता है 0 से n-1
वन के बीच में होता है। एल का वैल्यू, एल मतलब सब ऑर्बिट का वैल्यू, जीरो से एक के बीच में होता है, जीरो से वन के बीच में। अब जैसे पहला ऑर्बिट यहाँ पे, फिर हम ऑर्बिट ही रख देते हैं, ऑर्बिट है यहाँ पे, सब ऑर्बिट है, ठीक है, एक होगा। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एल, यहाँ नाम लिख देते हैं नेम ऑफ सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट का नाम। तो पहला ऑर्बिट है उसमें सब ऑर्बिट एक होना चाहिए, उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो से एन माइनस वन, तो एन के जगह पर हम एक डालेंगे, तो एक माइनस एक मतलब जीरो, तो पहले वाला सब ऑर्बिट का वैल्यू जीरो होगा और इसी का नाम दे दिया गया एस। अब दूसरा वाला ऑर्बिट है सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट में दो होना चाहिए सब ऑर्बिट, तो यहाँ पे एल का वैल्यू जीरो से दो माइनस एक, यानी कि जीरो से एक, तो दो वैल्यू होगा, एक जीरो होगा, एक एक होगा, तो जीरो वाले का नाम एस है, एक वाले का नाम हो जाएगा पी। अब तीसरे ऑर्बिट की बात करेंगे, तो यहाँ जीरो से थ्री माइनस वन, यानी कि जीरो से दो, तो जीरो से दो के बीच में होगा, जीरो होगा, वन होगा, टू होगा, तीन वैल्यू आ गया, तीन सब ऑर्बिट, तो एक का नाम एस है, ये है जीरो वाला का पी का वन और डी का दो। अब इसी तरह चौथे के लिए फोर माइनस वन, यानी जीरो से थ्री, तो जीरो वन टू थ्री, तो एस पी डी एफ। तो ये सब ऑर्बिट का वैल्यू कितना होगा ये भी बता दिया, उसका नाम क्या होगा ये भी बता दिया। अब ये एजिमुथल क्वांटम नंबर हो गया। अब किसी भी सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बताया गया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या सब ऑर्बिट में 2 × 2L+1 के बराबर होगा। अब जैसे L पहला L बराबर जीरो यहाँ पे है S के लिए, तो जीरो यानी कि वन वन, यानी कि पहले वाला S वाले में दो इलेक्ट्रॉन रहेगा। P वाले में देखते हैं, P वाले में L का वैल्यू एक है, तो वन रखेंगे तो दो एक तीन और तीन दूनी छः, तो पी वाले में छः इलेक्ट्रॉन रहेंगे। डी वाले में तीन रखें, दो रखेंगे, डी का वैल्यू जो है दो है, तो दो दूनी चार एक, पाँच दूनी दस, इस तरह से एफ वाले में चौदह हो जाएगा। तो आपको पता हो गया कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे सब ऑर्बिट में। अब है तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब यहाँ ये कॉन्सेप्ट और बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पहले ऑर्बिट के बारे में जाने, ऑर्बिट के भीतर में सब ऑर्बिट में जाने, एजिमुथल में। अब सब ऑर्बिट भी छोटे छोटे घर के रूप में बटा होता है, जिसका नाम होता है ऑर्बिटल। तो असल में एजिमुथल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में बताता है, सब ऑर्बिट में छोटे छोटे घर ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट देता है, ये सब इम्पॉर्टेंट बात है। अब ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट जो है कैसे आया ये भी जान लो। टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे एम का वैल्यू, तो 2L+1 के बराबर होंगे। टोटल ऑर्बिटल कितना होगा 2L+1। अब एस के लिए ऑर्बिटल अगर निकालना हो तो एस का वैल्यू जीरो है, तो एम यानी कि ऑर्बिटल हो जाएगा 2×0, यानी कि एक ही ऑर्बिटल होंगे एस में। अब पी वाले में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो पी का वैल्यू 1 है, तो ऑर्बिटल वहाँ पे रख देंगे 1, तो 2, 1, 3, एम का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, और एम बराबर हो जाएगा 3, 3 ऑर्बिटल होंगे। और डी वाला में अगर देखेंगे तो डी में वैल्यू 2 है, तो 2×2=4, 1=5, मतलब 5 ऑर्बिटल होंगे। एफ वाला में 3 है, तो 3 रखोगे तो ऑर्बिटल उसमें हो जाएगा 7। तो किस सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होंगे ये भी तुमको मालूम हो गया। अब ये ऑर्बिटल जो एम है उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, माइनस एल से 0 to +L, इतने के बीच में ये वैल्यू होगा। माइनस एल, एल मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर, उस पर डिपेंड करता है ऑर्बिटल का वैल्यू। तो मान लो कि पहला एस की बात करते हैं, एस वाले के लिए
तो एस वाले के लिए अगर हम बात करेंगे तो एस के लिए एल का वैल्यू तो जीरो है, तो एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस एल से लिखना है तो माइनस एल जीरो से जीरो से जीरो, यानी कि एम का वैल्यू जीरो आ गया, यानी कि एस वाला में ऑर्बिटल जो होगा उसका वैल्यू जीरो होगा। एक ऑर्बिटल को एक बॉक्स इंडिकेट करते हैं, एक ऑर्बिटल है एक बॉक्स, उसका वैल्यू ऊपर में जीरो लिख देते हैं, एम बराबर जीरो। अगर पी वाले की बात करते हैं तो उसका एल का वैल्यू वन होता है, तो एम का वैल्यू आपको पता है माइनस एल यानी कि माइनस वन से जीरो, माइनस वन से जीरो, तो यानी कि माइनस वन जीरो फिर प्लस वन एल, तो तीन वैल्यू आ गया, तीन ऑर्बिटल है। अब तीन ऑर्बिटल है तो तीन वो बॉक्स बनेगा, अब तीन बॉक्स को हमने ऐसा बना दिया बीच में जीरो, इधर माइनस वन और इधर प्लस वन, एम बराबर। इसी तरह अगर हम पीछे लाएंगे तो डी वाले के लिए एल का वैल्यू हो जाएगा दो, तो एम का वैल्यू कितना आ जाएगा, एम का वैल्यू हो जाएगा माइनस एल से माइनस टू से जीरो, टू प्लस टू, यानी पांच वैल्यू होगा माइनस टू माइनस वन माइनस जीरो प्लस वन प्लस टू, तो पांच ऑर्बिटल होगा, पांच ऑर्बिटल होगा, इसमें एक जीरो होगा या माइनस वन माइनस टू प्लस वन प्लस टू, एक एक्स्ट्रा बन गया हमसे, पांच ऑर्बिटल बनेगा। इसी तरह एफ के लिए एल बराबर तीन, एम का वैल्यू माइनस तीन होगा, माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, सात ऑर्बिटल है, सात बॉक्स बना दीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात, बीच वाला जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री। इस तरह से हर ऑर्बिटल में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो जितना ऑर्बिटल है उसमें दो दो रख दोगे, तो एफ में सात है तो चौदह, पी में पाँच ऑर्बिटल है तो दस, एस में एक है तो दो इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब लास्ट है चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अब स्पिन क्वांटम नंबर को एस इंडिकेट करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है, स्पिन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना लट्टू की तरह, लट्टू जैसे होता है ना वो चारों तरफ गोल गोल भी नाचता है, जैसे ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ गोल गोल भी नाच रहा है ऐसे, और साथ में इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर भी नाच रहा है, लट्टू की तरह अपने एक्सिस पर नाच रहा है, ये एक्सिस जैसे कलम है इसी तरह अपने एक्सिस पर ये घूम रहा है, चक्कर भी लगा रहा है और एक्सिस पर भी घूम रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं स्पिन कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एक्सिस पर या तो क्लॉक वाइज में नाचेगा या एंटी क्लॉक वाइज में, अगर वो लट्टू की तरह अपने कील पर इलेक्ट्रॉन क्लॉक वाइज अगर घूमेगा तो उसके स्पिन को ऊपर एरो से दिखाएंगे और इसके लिए प्लस हाफ वैल्यू देंगे, और एंटी क्लॉक वाइज के रूप में अगर नाचेगा तो उसके स्पिन को डाउन दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन के, और उसके वैल्यू को माइनस हाफ दिखाएंगे, यानी कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो एक हमेशा ऊपर रहता है, इसके लिए एस बराबर प्लस हाफ, और जो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ रहेगा ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, एस बराबर माइनस हाफ। तो इतना तुम्हारा हो गया क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इस पर प्रॉब्लम कराएंगे, लेकिन पहले इतना देख लो।